हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। दोस्तों आज बात करने वाले काफी सारे अपडेट्स के बारे में, और वीक को स्टार्ट करते हैं हम अपने टेक अपडेट्स के साथ। तो पहले अब मेन स्ट्रीट की तरफ से एक आपको गुड न्यूज देना चाहेंगे। GTR 2 की कंफर्म लॉन्च दिसंबर 17 को आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ GTS 2 मिनी कहा ये जा रहा है दिसंबर 17। ये तीनों ही स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हो जाएंगे। फिलहाल हमने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। SPO2, GPS सभी चीज का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगली न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, फ्री फायर अपडेट आई है। मतलब कोविड 25 का जो अपडेट आया है ग्लोबल वर्जन में, पैच अपडेट आया है ग्लोबल वर्जन के लिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मतलब देखने को मिल जाता है। नए नए गन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुछ रैंक सेशन वगैरह होंगे, इलाइट पास देखने को मिल जाएगा, गेम UI और भी ज्यादा बेटर हो गई है, पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये अपडेट के बाद दोस्तों आपका फ्री फायर थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ वगैरह हो जाएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रोवाइड कराई है दोस्तों बोट ने। यहाँ पे बोट इंडियाज बोट जो बोट कंपनी है, जिसमें दोस्तों आपका स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडिया बोट वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट वियरेबल ब्रांड बन चुका है। ये काफी अच्छी बात है मतलब इसके प्रोग्रेस को लेके दोस्तों, क्योंकि बोट एक इंडियन ब्रांड है तो इतना ज्यादा हाइप है दोस्तों इंडिया में भी इसका। इंडिया में बहुत लोग दोस्तों बोट को प्रेफर करते हैं, और ये भी एक अच्छी न्यूज है। कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक लीक निकल के आई है ओप्पो रेनो 5 की तरफ से कि दोस्तों यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 4G आपको देखने को मिलने वाली। स्नैपड्रैगन 720 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एक 4G बेस्ड फोन है बट दोस्तों काफी कुछ सिमिलर है, मतलब लुक डिजाइन काफी कुछ सिमिलर है। अब आई डोंट नो कि दोस्तों 4G क्यों आ रही है, 4G वर्जन भी आपको ओप्पो रेनो 5 का देखने को मिलने वाला है, जहां पे दोस्तों स्नैपड्रैगन 720 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब अगली न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, क्या 3.4 इंडिया लॉन्च आपको ₹15,000 में देखने को मिलने वाली है। और इसके दोस्तों लॉन्चिंग वगैरह पता चली है कि अप्रॉक्सिमेटली दिसंबर के लास्ट आज तक में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉइड 10 पे आने वाला एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है दोस्तों। यहाँ 3GB का रैम आपको स्टार्टिंग वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आस्किंग प्राइस अप्रॉक्सिमेटली ₹12,000 यानी कि 12,000 रुपीज होने वाली। अगली न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे नोकिया की तरफ से अगली न्यूज आई है, पावर ईयरबड्स लाइट चाइना में दोस्तों कल लॉन्च होने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में आपको 25 दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कुछ लुक और डिजाइन देखने को मिलने वाला है। बट फिर नोकिया की बात करें, नोकिया अपने दोस्तों बेस्ट बैटरी के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ दोस्तों टफेस्ट फोन भी एक टाइम पे नोकिया था। मुझे ऐसा लगता है कि पावर ईयरबड्स में आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स की टीवी जो X1 लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी देखी थी हमने, तो दोस्तों 40 रेंज और 32 इंच बहुत ही अच्छा डिजाइन वगैरह है, फ्रेमलेस डिजाइन है, तो आपको एक बार उसको जरूर से चेक करना चाहिए। फिलहाल हमने आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाई है, ऊपर एड्रेस में आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगली न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, वीवो की तरफ से एक अलग कंफर्मेशन देखने को मिली है कि वीवो X60 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। X50 को एक अपग्रेडेशन देखने को मिली है, कुछ कुछ चीजें जो लैग कर रही थी मेबी इसमें अच्छी कर दी जाए, के ऊपर स्पेसिफिकेशन वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी आपको देखने को उस पे मिलने। ZTE की तरफ से अगली न्यूज आई है, तो ZTE XON 20 वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है। ऐसा कुछ और लुक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। 21 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग है गाइस, तो मेबी बहुत अच्छा आपको ZTE की तरफ से ये फोन देखने को मिल जाए। अगली न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, Lenovo की तरफ से एक न्यूज आई है, K12 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो मोटो G9 की याद आ जाती है, मतलब वैसे ही सिमिलर आपको फोन देखने को मिला है। स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 6000 mAh की बैटरी। यही पता चला कि मेरी ब्रांडिंग आ जाए मोटो G9 की, मतलब सिमिलर चीजें आ जाए मोटो G9 के जैसा, बट आई होप सो कुछ अलग हो। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहले के दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।